हम लोग आज पर्यावरण पढ़ेंगे और देखेंगे पर्यावरण का सिलेबस पहले क्या है। सिलेबस अलग अलग किताबों में मिलेगा और सिलेबस कवर कैसे करना है, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि पर्यावरण को पढ़ते पढ़ते ये जान लेंगे कि पूरा सिलेबस या पूरी विषय वस्तु क्या है, आखिर पर्यावरण को हमारे प्राथमिक में क्यों रखा गया है। तो एक तरह सिलेबस भी है और आपका पूरी तरह से अध्ययन अध्यापन का काम है। पर्यावरण किसे कहते हैं, ये हर किताबों में मिलेगा। पर्यावरण, परिधन, आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपकी MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन माने बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और वहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। एकदम देखते हैं पर्यावरण क्या है। सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण क्या है, तो हम ये जानते हैं पर्यावरण जो है वो दो घटकों से मिलकर बना है, एक है जैविक, दूसरा है अजैविक। दो घटक से मिलकर बना है, जैविक घटक और अजैविक घटक। प्रश्न उठता है जैविक घटक किसे कहते हैं, माने जैविक घटक के अंतर्गत वे पादप जीव जंतु आते हैं जिनमें जान मतलब सजीव वस्तुओं को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसमें आ गया पादप, पादप माने समस्त पेड़ पौधे, समस्त पेड़ पौधे भी कई प्रकार के हो जाएंगे। एक पादप जली, मरुस्थली, पर्वती, मैदानी, घाटी के, वर्षा वाले, कम वर्षा वाले, मरुस्थली क्षेत्र, वहाँ पे कई प्रकार के पौधे होंगे। स्वपोषी, परपोषी, माने पादप में भी कई प्रकार के पादप होंगे। और सभी वनस्पतियों को हमें क्या करना है, जैविक घटक के अंतर्गत पढ़ना है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्णकटिबंधीय वन, टैंगा, ट्रोंडा, पर्वती वन, ये सभी किसके अंतर्गत पढ़ना है, पादप के अंतर्गत। तो सिलेबस में देखेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। पादप के बाद अगला जो आपका आता है वो होगा आपका जीव, जीव जंतु में मनुष्य भी आएगा। और पर्यावरण अध्ययन करने का जो मूल केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है। मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर ही पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को और प्रभावित करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानव हस्तक्षेप या मानव क्रियाकलापों के द्वारा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता भी है, प्रभावित होता भी है। कौन? पर्यावरण। मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है, स्वयं पर्यावरण की वजह से स्वयं प्रभावित भी होता है। जीव जंतु की बात करें तो जीव जंतु में कई प्रकार के जीव जंतु आएंगे, जैसे पालतू, जंगली, जली जीव, नभचर, स्थलचर, उभयचर, जलचर, उसमें भी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कई प्रकार के जीव जंतु। मनुष्य उनका परिवेश, आवास, ये आपके सेल्फ हैबिटेट, आवास, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद अजैविक में आते हैं स्थल, मृदा, मिट्टी, जल, वायु। एक लाइन और बनाकर लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, ये इसमें लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश समझ में आता है, इन सभी को जान लेते हैं। स्थल माने मृदा, मृदा मिट्टी। अब स्थल मृदा को लेंगे स्थल मंडल से, इसका संबंध किससे हो जाएगा, स्थल मंडल से, इससे होगा स्थल मंडल से। जल का होगा जल मंडल से, जल का जल मंडल से, वायु का वायु। अब ये अजैविक घटक के रूप है, इसमें भी कार्बनिक है, अकार्बनिक है। स्थल माने मृदा, भूमि, जमीन, स्थल मंडल लेते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ये अजैविक घटक है। ये पर्यावरण के कौन से घटक है, अजैविक घटक है। अच्छा, इन अजैविक घटक का क्या रोल होता है, बिना इनके पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। अब अगर स्थल मंडल पढ़ना चाहे तो स्थल मंडल क्या है, वह उथला हुआ भाग
जमीन से या जल से उथले हुए दृढ़ भूखंड भूभाग को हम स्थल मंडल कहते हैं। पूरे पृथ्वी पर यह 29.2% हिस्से पर फैला हुआ है, लगभग 29% हिस्से पे स्थल मंडल है। अब इसी स्थल मंडल में अब आपको क्या पढ़ना है, महाद्वीप। सभी महाद्वीप इस पे, इन मंडलों पे पर्वत, पठार, फिर मैदान, मरुस्थल आदि। माने स्थल मंडली केवल खत्म नहीं होगा, इसमें महाद्वीप पढ़ेंगे, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर के अंदर। ये भी आपके सिलेबस में भी है, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सभी क्या आपके सिलेबस में है। फिर इसी में आएगा स्थल मंडल में भारत का परिचय, भारत का सामान्य परिचय, भारत की मृदा, भारत की मिट्टी, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, ये इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर आता है जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या पढ़ना है आपको, पहला तो महासागर, यूपीटीटी 2018 पूछा था, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, महासागर या समुद्र है। अभी हाल ही वाले टीटी में पूछा था, महासागर, नदी, झील, जलप्रपात आदि आपका अंतर्गत, नदी, झील, हिमनद, ये सभी किसके अंदर पड़ेंगे, जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं, स्थल का वह हिस्सा जो जल आवरण से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, हम जलमंडल कहते हैं। पूरे पृथ्वी पर ये 70.8%, लगभग 71% हिस्से पे जलमंडल फैला है, जल फैला है, किंतु फिर भी पानी की समस्या क्यों, क्योंकि वो जल तो है किंतु पीने योग्य जल नहीं है, जल तो है किंतु पीने योग्य जल नहीं है, पानी है लेकिन पीने योग्य नहीं है, क्यों नहीं है, खारा जल है, जल तो है लेकिन कैसा है, खारा, लवणीय जल है। ठीक, अभी आगे देखेंगे, ये भी पूछा यूपीटीटी में, पूरे पृथ्वी कितने परसेंट पीने योग्य है, तो नोट्स जो होगा हमारा उसमें आपको मिल जाएगा। ये जलमंडल हो गया, महासागर, नदी, झील, हिमनद, ये सभी आप लोग पढ़ेंगे। फिर महासागर क्या है, समुद्र क्या है, वर्तमान समय में इसका क्या उपयोगिता, जैव विविधता के दृष्टिकोण से कैसा है। फिर आएंगे वायुमंडल पढ़ेंगे, वायुमंडल में एटमॉस्फियर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल कैसे बना है, तो पता चला धूल कण, गैसेज और जलवाष्प से मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घिरे हुए गैस, धूल कण, जलवाष्प का जो घेरा है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से रुका है। फिर विभिन्न प्रकार की गैसें पढ़ेंगे वायुमंडल में, उन गैसों का क्या काम है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, फिर आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, फिर हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियान, जियान, फ्रान, सीएफसी आदि गैसें, वैसे भी हल्की गैसें हैं, प्रारंभ की चार गैसें भारी गैसेज हैं। फिर प्रमुख वायुमंडली परतें पढ़ेंगे, जैसे ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल पढ़ेंगे, सबसे नीचे का मंडल है, यहाँ से रिकॉर्ड है, जब जब टीटी हुआ तब तब एक प्रश्न पूछा है, इतिहास है, मतलब ऐसा कोई साल नहीं रहा जहाँ से वहाँ प्रश्न ना पूछा हो, मंडल से जरूर एक प्रश्न पूछते हैं। पृथ्वी के सबसे पास का मंडल क्षोभ मंडल कहलाता है, मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं, ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती है क्षोभ मंडल में, इसी वजह से इस मंडल में जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं घटती हैं, वर्षा होना, पाला पड़ना, कोहरा होना, बादल गरजना, बिजली कड़कना, हिमपात पड़ना, ओला पड़ना, तूफाने चलना, सभी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके ऊपर का मंडल समताप मंडल है, समताप मंडल में तापमान समान रहता है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत है कि ओजोन परत उसी मंडल पाई जाती है समताप मंडल में। अच्छा, इस मंडल में मौसम संबंधित कोई हलचल नहीं होती, इसलिए हवाई जहाज या वायुयान को उड़ने के लिए यह मंडल का सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो होता है समताप मंडल। और ओजोन परत पाई जाती है, जिसे अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ कहते हैं, ओजोन एक गैस है O3, जिसकी खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन नामक व्यक्ति ने किया था, और यह इसकी जो मोटाई है 32 से लगभग 50 किलोमीटर है, और ये पूरे पृथ्वी को घेरे हुए है,
इसलिए इसे अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ कहते हैं, और इस सूर्य से आने वाली परावैगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। अच्छा, 2017 की टीटी में पूछा था कि निम्नलिखित में सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज कौन है, ए और बी है, ए और बी। 2018 की टीटी पूछ दिया कि सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। मतलब अभी हाल ही दोनों टेट में लगातार पूछा, मानी एक ऐसा अध्याय है जहाँ से हर बार टीटी में पूछता है। ठीक, फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है सीएफसी उत्सर्जन से। सीएफसी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्या करता है, O3, ओजोन गैस का फॉर्मूला O3, इसको तोड़ के O2+O में बना देता है। अब वो सांद्रण हो जाता है, जगह खाली हो जाती है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज परावैगनिक किरणें आसानी से जमीन तक आ जाती हैं। और जब जमीन पर आती हैं तो होता क्या है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, आँख में समस्या और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग। इसकी रोकथाम कैसे की जाए, सीएफसी के उत्सर्जन पर प्रतिबंध किया जाए। सीएफसी कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, फोम, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के सामान आदि स्थानों से सीएफसी का उत्सर्जन होता है। इसको रोकने के लिए इसका उपयोग कम किया जाए, वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाए, तो शायद सीएफसी को कंट्रोल किया जा सकता है, सीएफसी को कंट्रोल किया जा सकता है। और ओजोन लेयर में सबसे बड़ा क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आते हैं सूर्य की प्रकाश की बात करते हैं। सूर्य का प्रकाश सनलाइट, इसमें सभी गैसेज पढ़ेंगे, वायुमंडलीय परतें पढ़ेंगे, बस उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़नी। पता नहीं पूरी तरह सिलेबस आपका डिफाइन कर रहा है। ये ऊपर के जितना हमने लिखा ये पढ़ेंगे, फिर मानव जीवन पढ़ेंगे, महाद्वीप पर निवास करने वाले प्रमुख मानव जीवन, उनकी गतिविधियाँ, भारत, उत्तर प्रदेश, प्रमुख मेला, संस्कृति एवं कल्चर, मेला, प्रमुख संस्कृति और कल्चर, भारत का संवैधानिक परिचय, पंचायती राज व्यवस्था, नगर निगम, ठीक, आवास, भोजन, आसपास, घर, मित्र, ये सभी चीज़ें आपके सिलेबस में जुड़ती जाएंगी। फिर सूर्य का प्रकाश सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य क्या है, एक तारा है, तो सूर्य से पढ़ेंगे, सूर्य का प्रकाश के साथ साथ पढ़ेंगे पूरा सौरमंडल, सौर पूरा सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रोटेशन है रेवोल्यूशन माने दैनिक गति, वार्षिक गति, अक्षांश और देशांतर रेखा, मानचित्रण, एक चंद्रकलाएं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उच्च ज्वार, लघु ज्वार, ये इतनी चीजें आप लोग को इतना सिलेबस में पढ़ना है, जो संपूर्ण UPTT का सिलेबस भी है अपने आप में। इससे बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना। फिर कुछ एनवायरमेंट के सेक्शन पढ़ने हैं। अब जैविक घटक अजैविक घटक एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है, अगर यही इसमें से कोई एक नहीं है, चाहे स्थल, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। कोई एक नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं, मतलब सभी का पृथ्वी पर होना आवश्यक है, तभी पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकता है। अब एक एक करके देखते हैं, अगर स्थल ना होता तो क्या होता, जमीन ना होती तो क्या होता, जल ना होता तो क्या होता, वायु ना होती तो क्या होता, सूर्य का प्रकाश ना होता तो क्या। ये भी UPTT का पूछा प्रश्न है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। अभी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रकार से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित, न ये इससे अलग है न ये इससे अलग है। एक एक करके हम लोग अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि मनुष्य की सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या होती है, बताइए आप लोग। भोजन, जल,
अगर यही दो चीज़ नहीं मिलेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? आप टीटी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? भोजन के लिए? अभी कहिए खाने के लिए कोई लाला थोड़ी नहीं पड़ा है, फिर भी एक लाइफ अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जीवन जीने के लिए क्या कहते हैं? आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वरना कहने के लिए लोग कहते हैं ना पेट कुत्ता भी पेट पाल लेता है, लेकिन आपकी अपनी स्टैंडर्ड लाइफ जीनी है। लेकिन यहाँ पे जो अजैविक और जैविक घटक है ये दूसरे पे आत्मनिर्भर है, ये किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता जल और भोजन है, बिना उसके जीवित रहना संभव नहीं। आपको सरकारी नौकरी दे दिया जाए और 50-60 बोरी नोट दे दिया जाए और भोजन पानी नहीं दिया जाए, बताइए जीवन ही नहीं रहेगा। मतलब जीवन जीने के लिए मूलभूत क्या है? भोजन। अब प्रश्न उठता है भोजन कैसा है? जब भोजन शब्द आया तो हमारे सिलेबस में जुड़ जाएगा भोजन, पोषण, विटामिन, मिनरल, खनिज, लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इनसे होने वाले रोग, इनके रासायनिक नाम तथा प्रमुख जीवाणु बैक्टीरिया के नाम, पूरे सिलेबस अपने आप में है। ये इतने लाइन अपने आप में पूरा सिलेबस, बताइए। बोलिए। अच्छा आप ये भी भूल गए क्या पूछे हम? भोजन, भोजन कैसे मिलता है? भोजन कौन बनाता है? भोजन, भोजन बात है, जल की बात नहीं कर, केवल केवल भोजन की बात कर रहे। भोजन कैसे बनता है? आपके घर का भोजन कैसे बनता है? आप क्या आप लोग बनाते हैं? ये हम लोग का भ्रम है कि हम भोजन बनाते हैं। पृथ्वी पर केवल एक ही व्यक्ति भोजन बनाता है, इसे कहते हैं उत्पादक या पादप, बाकी हम पकाते हैं और खाते हैं, कहीं कच्चा खाते हैं कहीं पका कर खाते हैं। लेकिन भोजन बनाने का काम केवल केवल कौन करता है? पादप करता है, पेड़ पौधे। कैसे भोजन बनाते हैं? इनकी भी प्रक्रिया है। सबसे पहले इनको क्या चाहिए? स्थल चाहिए, माने H2O माने पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इसके बाद भी कुछ चाहिए, आधी लहसुन प्याज जो भी हो, लोग कहते हैं आधी स्ट्रक्ट्रा। इसके बदले हमें देते क्या है? हरे पेड़ पौधे, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, फिर हमें उसके बदले देते क्या है? उसके बदले हमें देते हैं C6H12O6। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स में दे सकते हैं। ये मैंने मामूली सा एक कॉम्प्लेक्स लिख दिया कि ये ग्लूकोज माने में भोजन देते हैं। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या करते हैं? अजैविक के साथ क्रिया करके हमें भोजन देते हैं, इसे पूरे पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर यह ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ना होता। माने भोजन बनाने का काम कौन करता है? जैविक घटक में पादप करते हैं, जितने भी पादप हैं। कल्पना करिए पृथ्वी पर पादप नहीं है, कल्पना करने का तो पैसा नहीं लगता ना। कल्पना करिए कोई आपका नहीं, कोई जीव जंतु है, पूरे पृथ्वी से पादप खत्म हो जाए, हर प्रकार के चाहे जल के हो चाहे जमीन के हो कहीं से भी हो, सारे पादप खत्म हो जाए तो क्या होगा? व्हाट हैपन? और खाएंगे क्या? कहेंगे बकरा खा जाएंगे, बकरी खा जाएंगे, मुर्गा खा जाएंगे। अरे वो क्या खाएगा? कहेंगे मुर्गा कीड़ा खा जाएगा, कीड़ा क्या खाएगा? मतलब पूरे पृथ्वी पर जो आधार है वो पादपों का है। मतलब यह नहीं तो जीवन, लेकिन यह कब जीवित रहेंगे? जब उनको संतुलित मात्रा में पानी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण मिनरल आदि चीजें मिलेंगी, तब जाकर वो हमें क्या देंगे? भोजन देंगे। अगर इसमें से कोई भी एक चीज गायब कर दी जाए तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। और बड़ा अच्छा लगा कि आज आप सबके सिकरारा ब्रांच में आए हैं और ये अध्ययन अध्यापन काम सिकरारा में चल रहा है, और यह हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया हमें और हमें पहला क्लास लेने का मौका भी मिला।
तो हम सिलेबस में ही पूरी चीज़ें डिफाइन करने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये दिखाई देता है कि H2O मिला कहाँ से, जल कहाँ से मिला, अजैविक घटक से। CO2 कहाँ से मिला, अजैविक घटक से। सूर्य का प्रकाश कहाँ मिला से, अजैविक घटक से। अन्य खनिज लवण कार्बनिक अकार्बनिक कहाँ से मिलेगा, अजैविक घटक से। और जो भोजन मिल रहे वो भी अजैविक घटक, ये कॉम्प्लेक्स मिला। लेकिन इसी की वजह से ये पूरा जैविक घटक अपना संतुलन बना के रखा हुआ है। ये इन दोनों के बीच जो अंतर संबंध का अध्ययन होता है वही पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी सिस्टम कहलाता है। अगर इकोलॉजी सिस्टम पढ़ेंगे फिर हमें आ जाएगा ये खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, पूरा सिलेबस अभी आपके आपके सामने ड्रा हो जाएगा। फिर आएगा जंगली जीव, फिर जंगली जीव क्या होते, वनस्पतियां क्या होती, इनका संरक्षण कैसे किया जाएगा। फिर पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल अच्छी क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, मतलब ये अपने आप में मैंने पहले ही बताया ना पूरा सिलेबस, इतना ही आपको अध्ययन करना है ना इसके बाहर जाना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो 30 में 25 पाने से कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता इस UPTT की परीक्षा में। और ये सदैव किसी भर्ती परीक्षा में आए अगर आप पढ़ेंगे तो यही संपूर्ण पर्यावरण का सिलेबस होता है। ये अपने आप में एक सिलेबस बया करेगा। भी देखते हैं आगे। हमने ये देखा कि हरे पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए ये सरसे चाहिए, इनके बीच घनिष्ठ संबंध है, वो संबंध यही दिख रहा है। और जो इन दोनों को आपस में जोड़कर रखा हुआ है, अभी देखते हैं कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है, कैसे ये एक दूसरे को जोड़कर रखे। अगर इसमें से एक कम या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। ठीक, अब देखते हैं कैसे एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है। अच्छा, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं फिर इन दोनों का अंतर संबंध को पढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड पर ही लिखा है। जैसे मनुष्य पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, गर्मी बहुत लगेगी हल्के कपड़े, ठंडक बढ़ जाएगी तब मोटा मोटा गद्दा पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, बरसात होने लगती है तब रेनकोट। आप जिस प्रकार मौसम के अनुसार आपकी शारीरिक बनावट होती है, पर्यावरण के अनुरूप आपकी शारीरिक बनावट होती है, उसकी रूपरेखा उस तरह से होती है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तक कि घर, ये भी आपके सिलेबस में, आवास, मानव आवास, पशु पक्षी आवास, जो आवास सिलेबस में, आवास भी वहाँ की पर्यावरण का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। आपके UPTT में पूछा है, CTET में भी पूछा है कि बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं, क्यों, और दो कारण। पहला कारण, अगर आपके यहाँ मकानें ईंट से बनती हैं, अगर आपके यहाँ पत्थर की ईंट फ्री में मिलते निशुल्क और ये वाला ईंट 6 रुपए का मिलता तो किस ईंट से घर बनाना पसंद करा। हाँ, तो एक बात और स्पष्ट हुआ कि वहाँ की जो उपलब्धता होती है तो संस्कृति कल्चर में वहाँ के उत्पादन का भी सबसे बड़ा रोल था। इससे एक बात और स्पष्ट हुआ कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बांस होता है, मतलब तो लकड़ी के भी घर बना सकते थे, 2 मंजिला इमारत इसका भी बना सकते थे, वो बांस का ही क्यों बनाते हैं, वहां बांस की अधिकता है और ऊंचाई पर बनाते हैं, बाढ़ का पानी कीड़े मकोड़े वहां तक ना पहुंचने पाए। वहां के बिहू नृत्य प्रसिद्ध है, UPTT में कई बार पूछ चुका है, बंबू नृत्य वहां का प्रसिद्ध है, इस बार CTET ने पूछा था कहाँ के लोग 2 मंजिले पे रहते हैं, पत्थर के घर बना के रहते हैं, नीचे वाले जानवर रखते हैं, स्वयं ऊपर वाले घर में रहते हैं, यह डिजाइन किस स्थान का है। लद्दाख में, और लद्दाख जम्मू कश्मीर में। ठीक, राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं मिट्टी के बनाए जाते हैं, मोटी दीवारें होती है, पोत के रखा जाता है ताकि टेम्परेचर नीचे ना पहुंचने पाए। तो जिस प्रकार मनुष्य घर को बनाने के लिए अपने आप को पर्यावरण का योग या पर्यावरण के सापेक्ष ढालता है, उसी प्रकार ये पादप जो होते हैं ये भी अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ही ढालते हैं। हमने ये देखा किसी भी पादप को जीवित रहने के लिए इतनी मूलभूत चीजें चाहिए, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश आदि कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। कल्पना करिए अगर कहीं पानी कम है तो क्या, जल कम है तो क्या हो,
सूख जाएगा पेड़। अब कल्पना करते हैं, अगर आपके घर में आपका समरसेबुल हो, नलकूप हो, नल हो, कुआं हो, अचानक गर्मी की वजह से सूख जाए तो क्या करेंगे? जैसे आपने कहा ना, पादप सूख जाएंगे तो क्या आपकी भी मृत्यु हो जाएगी? पड़ोसी क्या जाएंगे, उसके यहां भी पानी छोड़ दिया तब बगल वाले क्या जाएंगे? तो चलो पूरे गांव में छोड़ दिया, बगल वाले गांव में पानी है तब कि मर जाएंगे, वहां से पानी लाएंगे, वहां से घड़े पानी लेकर आएंगे। और जैसे ही पानी घर में आप रखी लाके, दूर से गई सुबह 4 बजे भोर में गई, नंबर लगाया, 2 घंटे बाद नंबर आया, एक घड़ा पानी मिला, लेकर घर पर रख दी, और तैसे कोई पहुंच के लगा हाथ पर धुन ले तब तब क्या होगा? अब ये भी नहीं पता कि उसके हाथ पर बचेंगे कि नहीं। ठीक, तो सेम ही वृक्षों के साथ होता, सेम कंडीशन पादपों के साथ भी होता, यही जैसा आपने बताया। अब जैसे जहां पे जल कम है तो जल की तलाश में उन वृक्षों की जड़ें खूब लंबी होंगी, जैसे आप बताया कि आपके अनेक पड़ोसी के, आप पड़ोसी के अनेक, तब तक जाएंगे जब तक आपको जल मिल न जाए, मैंने जल की तलाश में आप भटकते रहे और नहीं मिलेगा तो भाई बैकुंठ तो जाना ही जाना है, तब तक अंतिम सांस तक क्या करेंगे, तलाश करेंगे जल मिल जाए कहीं। तो यहाँ पे अगर जहाँ पे यह खूब मिले, यह खूब मिले और यह क्या हो कम मिले, यहाँ खूब ये मिल रहा है, यह खूब मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तब वहाँ की पेड़ की जो जड़ें होंगी गहराई तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? गहराई तक जाएंगी। गहराई तक क्यों जाएंगी? पानी की, मतलब जड़ें खूब लंबी हो। अच्छा, जड़ में से जब पानी लेकर आई किसी तरह ऊपर, ठीक, तो जैसे आपने बताया अगर कोई पानी बहाने लगा तो क्या करेंगे, पीटना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार जब थोड़ा बहुत इन्हें जल मिल जाता है तो वात्पुसर्जन होता है पेड़ पौधों में। जैसे मनुष्य को पसीना होता है, पसीना क्यों होता है? जब हमारे शरीर का तापमान बाहर के तापमान से या शरीर के तापमान औसत तापमान से बढ़ जाता है तो हमारे शरीर के जो रोएं होते हैं, रोम, वो खुले जाते हैं और पानी का फवारा निकलता है। ये तब तक निकलता है जब तक शरीर का तापमान एक सा ना हो, उसे कहते हैं पसीना का होना। ऐसे वृक्षों में भी होता है। अभी सुने होंगे आप लोग गांव में कि गर्मी खूब लग रही, चलो बगीचा में खटिया लगा के आप वहाँ बैठते हैं, वहाँ बड़ी ठंडी हवा चलती है। वहाँ ठंडी हवा कैसे चलती है? आपके घर के पास गर्म, बगीचे में हवा ठंडी कैसे हो जाती है? कोई एयर कंडीशन उसे लगा होता है क्या, एसी वगैरह? हाँ, जो वृक्षों में पत्तियों से जो वात्पोत्सर्जन होता है, उनके संपर्क में जो हवा आती है, हवा क्या होती है? ठंडी। और जो हमारे पास से गुजरती है तो बड़ा शीतल हवा लगता है, बड़ा ठंडा हवा लगता है। तो थोड़ा सा पानी मिला अगर वात्पोत्सर्जन हो गया तो पेड़ वैसे भी सूख जाएंगे। तो यहाँ की जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होंगी, छोटी छोटी होंगी या तो होंगी ही नहीं, उन पर कांटे होंगे ताकि वात्पोत्सर्जन ना हो। इस प्रकार के पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट, जीरोफाइट कहते हैं, अर्थात मरुस्थलीय पेड़ पौधे। ये मैंने कहां का हाल बता रहे थे सब, मरुस्थल। अगर आप पूछ दिया जाए मरुस्थली पेड़ पौधों के लक्षण बताएं तो आप तुरंत बता देंगे, उनकी जड़ें लंबी होती हैं, उनकी पत्तियां होती नहीं, अगर होती हैं तो छोटी छोटी होती, बेकांटे होते हैं, तने, अगर पत्तियां नहीं तने से ही प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, और उनपे तने पे कांटे होते हैं ताकि दो चार पत्तियां हो तो कोई गधही या गधा खा नहीं ना पाए, नहीं खा गई तब वैसे बेचारा मर गया, तो उनपे कांटे होते हैं वात्पोत्सर्जन को भी रोकने के, उसे क्या कहेंगे? जीरो माने मरुस्थलीय पेड़ पौधे। इसके उदाहरण भी यूपीटी टीम पूछा है, जैसे क्रैक्टस, नागफनी, खजूर, बबूल आदि, ये पूछ चुका है यूपीटी 2011 में ही पूछा है। ये जीरो फाइट समझ में आ गया? ये जीरो फाइट क्या है? ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अगर हमने देखा जीरो फाइट होने के लिए सब कुछ वही था, ठीक, हमने देखा यही कि जीरो फाइट का मतलब मरुस्थली पेड़ पौधे हो गए, उनके लक्षण आप बता लेंगे, वहां पे रेत ही रेत होगा जो मरुस्थल किसे कहते हैं।
जैसे चेन्नई है, कैसे सभी परिभाषा होगा मरुस्थल की, सीखें वह क्षेत्र जहाँ की प्रतिवर्ष वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से कम हो, 50 मिलीमीटर से कम हो, तथा वहाँ का 50 मिलीमीटर से कम वर्षा हो और जलवायु शुष्क हो, उस क्षेत्र को मरुस्थली क्षेत्र कहते हैं। वो कहीं भी हो सकता है। ठीक ठीक, तो ये हो गया आपका मरुस्थल। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर पानी ज़्यादा दे दिया तब, यहाँ तो कम था, खूब पानी है, पानी दे दिया तब, पानी खूब दे दिया, CO2 दे दिया, सूर्य का प्रकाश दे दिया जाए, तब क्या होगा? हाँ, एक आम का पेड़ लेते हैं, ले जाके तालाब में लगा देते हैं बीचों बीच, क्या होगा? ली अभी तो पानी नहीं, पानी दे दे रहे हैं तो क्या सूख जाएगा, तब क्या? बरगद का पेड़ लगा दीजिए, गेहूं लगा दीजिए, तालाब में बीचों बीच बो के चले आइए। हाँ, अभी पानी नहीं था, बेचारे को अंदर तक जाना पड़ा था, गहराई तक जाना पड़ा था, हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया, चलिए अच्छा खूब पानी भर दिया, तब क्या होगा? ज्यादा हो गया तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तब भाई वृक्षों को, जैसे आप लोग 5-6 घंटे अगर बर्तन माँज ले, कपड़ा धो ले, तो हाँ तो मोटा जाता है, सही बात है, फूल जाता है। हमें भी एक लोग सलाह दिया, कहें एक आध दिन 5-6 घंटे नहा लें, हम भी मोटा जाएंगे। ठीक, तो लेकिन मछलियाँ बेचारी सुबह से लेकर शाम तक दिन रात नहाती हैं, वो नहीं मोटाती गाय। वो तो अपनी प्रजाति में होती है ना, सारी मछलियाँ मोटी नहीं होती, छोटी कहाँ से रह जाती? तक कैसा रीजन है कि मछलियाँ मोटी नहीं, उनके त्वचा पर क्या पाया जाता है? स्लैश पाया जाता है, इसकी वजह से मोटी। अभी आप ही तेल हाथ में लगा पानी में डाली, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पे अन्य कोई पेड़ पौधा लगाने की जड़ें सड़ जाएंगे, बता ना, हमका पेड़ लगाएंगे तो सड़ जाएगा? उनकी जड़ें में क्या होनी चाहिए? स्लैश होनी चाहिए, ताकि आयली होनी चाहिए, तैरते रहे, पत्तियां चौड़ी हो, डूबने ना पाए, पत्तियां क्या होंगी? छोड़ों के डूबने ना पाए। ऐसे पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? उदाहरण इसके क्या है? जैसे हाइड्रा, जलकुंभी, सिंघाड़ा, कमल, इनसे भी जड़ें क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, लेकिन जल में सड़ने योग्य नहीं, पत्तियां चौड़ी होती हैं, डूबने ना पाए, तो उनकी एक अलग। ठीक, यहां तक कोई समस्या हो पहले पूछे तब आगे बढ़े। आप लोग कोई समस्या हो तो आप लोग पूछिएगा, नहीं तो एक दूसरे को फॉरवर्ड करते जाइएगा। बताइए आप लोग, अन्य की समस्या के लिए आप 0634436 और ऐसे करारा में ब्रांच ओपन है स्टेट बैंक के पास, यहाँ से आज ये अध्ययन अध्यापन काम सिकरारा के स्टेट बैंक के पास और सिकरारा चौराहे पे ही है। हाँ, ये सिकरारा चौराहे पे ही है और आप भी आ सकते हैं, इलेनी बुद्रगेश की एक ब्रांच है और संभवतः सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो इसी मंथ के स्टार्ट में, प्रारंभ में, प्रथम वीक में बनारस में भी, पांडेपुर में भी हम आ जाएंगे, सब कुछ सही रहा तो। तो हमने ये देखा कि यदि हाइड्रोफाइट की विशेषता क्या होती है, ये जली जीव, लेकिन कभी कभी होता है, गांव में आप लोगों ने सुना होगा कि अगल बगल पड़ोसी झगड़ा होता है तो रात में अगर कोई पेड़ लगाया है, दिन में पेड़ लगाया है, तो रात में पानी में नमक मिला के पेड़ में दे देते हैं, तो पेड़ के साथ क्या हो, क्या होगा? जल्दी से बड़ा होगा, सूख जाएगा? नहीं यार, मैं तो देखा बड़े हो जाते हैं जल्दी से, सूख जाता है काहे? हाँ, कहे सूख जाता है? क्या होगा, पेड़ सूख जाएंगे? जब नमक अधिकता से पेड़ सूख जाएंगे, समुद्र का जल कैसा होता है? उसमें नमक ही नमक होता है।
ज्वार आता है, जल ऊपर से आता है, कैरियर बना लेते हैं लोग, पानी चला जाता है, कुछ रुक जाता है, कैरियर एक मेड़ ऊंची कर देते हैं, वाष्पित होकर जल वाष्पित हो जाता है, नीचे नमक बचता है, क्या बचता है, और वहाँ किनारे पे क्या पेड़ पौधे नहीं होते समुद्र किनारे? हाँ, कौन सा पौधा उन्हें कहते हैं? सही बता रही थी आप। हाँ आप, हाँ वही वही, हाँ क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ किसी पेड़ को अगर हम नमक दे देंगे तो पेड़ सूख जाएगा, लेकिन जो पेड़ पौधे क्या होते हैं, नमकीन पानी में सर्वाइव कर जाते हैं, उनकी वृक्ष की लंबाई खूब होती है, तने हल्के होते हैं, पत्तियां ऊपर होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, जैसे नारियल, खजूर, और मैग्रोवन इसका सबसे बड़ा, उसे कौन सा कहते हैं, हेलोफाइट। हेलो फाइट, कौन सा फाइट कहते हैं, हेलो फाइट, क्या कहते हैं, हेलो फाइट। जैसे मैग्रोवन इसका उदाहरण है। अच्छा मैग्रोवन कहाँ पे है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रोवन। अच्छा उसे सुंदरवन भी कहते हैं, क्यों सुंदरवन कहते हैं, बहुताएं पा जाते हैं, सुंदरी के वृक्ष बहुताएं पा जाते हैं, इसलिए सुंदरवन भी कहते हैं उसे। अच्छा वहां पे एक बाघ पाया जाता है जिसके पीठ पे सफेद कलर की पट्टी होती है, उसे क्या कहते हैं, बंगाल टाइगर कहते हैं, वो केवल वही पाया जाता है। और सीटेट ने प्रश्न पूछा है, वह कौन सा जानवर जो पत्तियों की ससराहट को किसी जानवर के ससराहट से या हवा के ससराहट से जान जाता है, बाघ, बाघ की मूछें जो होती हैं वो ये भाप जाती हैं, अगर कोई पत्ती हिल रही है तो क्या कोई प्राणी या कोई जीव जंतु गतिविधि से हिल रही है या पर या हवा की गतिविधि से हिल रही है, ये भी पूछा क्वेश्चन है। जो बाघ होता है और मैग्रोवन भारत में कई जगह है, लेकिन सबसे बड़ा जो है सुंदरवन में है। किस नदी किनारे है, नदी के डेल्टा पे है, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, हाँ वही बांग्लादेश हमने पूछा, पद्मा कहते हैं। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, कई राज्यों में जाती है, पांच राज्यों में, पांच का स्क्वायर 25, 2525 किलोमीटर की यात्रा करती है। सबसे लंबी यात्रा कहाँ करती है, सबसे कम, झारखंड में। सबसे लंबी यात्रा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटी राज्य झारखंड में। निकलती कहाँ से, गंगोत्री से, ग्लेशियर से निकलती है, फिर पैदल चलती हुई बेचारी आती है हरिद्वार पहुँचती है तो उसका नाम गंगा पड़ता है, फिर गंगा चलती है बेचारी पैदल है पहुँचती है पश्चिम बंगाल, दो पत्रिकाओं में टूट जाती है, एक हुगली हो जाती है, दूसरी गंगा, गंगा भागीरथी, फिर आगे जाती है मिल जाती है पश्चिम बंगाल में तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा उधर सारी ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। उधर से जो ब्रह्मपुत्र आता है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील राकस्थल के पास, मानसरोवर झील के पास से निकलता है ब्रह्मपुत्र। वहाँ से निकलने के बाद भारत में जब प्रवेश करता है तो उसके पहले उसका नाम होता है शांगपो, क्या नाम होता है चीन में या तिब्बत में, शांगपो। जैसे भारत में प्रवेश करता है एक गार्ज बनाता है, गार्जा कैनियन, UPTD 2017 में पूछा था, उसका नाम है देहांग, तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग नदी कहते हैं। ये UPTD 17 में पूछा, देहांग नदी किस नदी का उपनाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। और जब ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा मिल जाती है उसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक, तो आते हैं हम लोग तो कहाँ थे, जीरो फाइट, हड्डो फाइट, मतलब हम लोगों ने देखा बेचारे पेड़ पौधे इतनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, इतना मेहनत करते, इतना मार खाते हैं, कहीं पानी कम कहीं पानी ज़्यादा, अभी ऊंचाई बढ़ने के साथ जब बर्फ़ गिरने लगता है तो क्या करेंगे, कल्पना करिए जहाँ पे हिमपात होता है, अगर आपका नीम का पेड़ रहेगा तो क्या होगा, कैसे? पहला कारण बर्फ गिरेगा, ऐसे टहनी है कोई, बर्फ गिरा टहनी टूट जाएगी, माने पेड़ क्या हो जाएगा, जैसे लोग कहते हैं ना धूप नहीं खिली छिनगा दीजिए, तो बर्फ गिरेगा तो पूरा पेड़ टहनी क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, तो वहां पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, तिकोल लगा पर्वतीवन भी शंकुआ। अभी वही पढ़ेंगे जैविविधता के रूप में, भूमध्य रेखी विषुवत रेखी वन, सदाबहार वन, पतझड़ वन, अभी बताएंगे कैसे कैसे वो सब रहेंगे, इसी में
मतलब मुझे ये देखना था कि ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जिस प्रकार मनुष्य सहारा लेता है, ठंडी लगी तो आला उजाला लेता है, उसी तरह पेड़ पौधे भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मौसम के प्रतिकूल अपने आप को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए खुद से सर्वाइव करते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से आश्रित, इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इनके अध्ययन को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यहां तक कोई समस्या आ रही हो तो बताएं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। इसमें भी अभी परजीवी वगैरह भी आएंगे। अब हम ये देखेंगे दूसरे से कैसे आश्रित हैं। बताइए कैसे दूसरे से आश्रित हैं। कैसे इनके बीच में अंतर संबंध है, एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट करते हैं, फिर वहां से देखते हैं कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ठीक, आप लोग भी देख लीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि वास्तव में कुछ के लिए पता नहीं बेहतर टॉपिक होगी नहीं, लेकिन कुछ के लिए ये संपूर्ण सिलेबस भी अपने आप में ये बयां कर रहा है। इतना ही आप लोग को टोटल पढ़ना है, इसके बाहर से नहीं पढ़ना है। बाकी इसके बाहर पढ़ने के लिए नोट्स है, हम लोग की क्लासेज हैं, चाहे सिकरारा ब्रांच की, जौनपुर ब्रांच की, जौनपुर में दो दो ब्रांच, सिकरारे के तीन ब्रांचेज, ठीक, चार चार बचेज पैरेलल चल रही है, या तो आप अभी जल्दी हम लोग वाराणसी में आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे छोटा सा ये पिरामिड बनाते हैं, यहाँ पे सूर्य बनाते हैं, ये है सन, नहीं दिख रहा हो तो आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। सूर्य क्या है, पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अभी देखा ना, खूब भोजन बना रहे थे, भोजन कैसे बनाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, सूर्य जब सूर्य की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करके जमीन से खनिज लवण कार्बनिक अकार्बनिक जल का दोहन करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तथा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सभी पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो हरे पेड़ पौधों को, पादपों को क्या करना होता है, प्रकाश संश्लेषण, बिना उसके जीवित, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, सूर्य का, क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। इसलिए पूरे पृथ्वी पे सबसे पहला प्रकाश ऊर्जा का जो स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, क्या है। तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और आपका भोजन भी तो आप बनाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, पका पकाया भोजन खाते हैं। कौन सा भोजन, पका पकाया बनाते बेचारे, वहां पकाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दुनिया के जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे इन सभी कहते हैं, इन्हें अगर पोषक स्तर की बात करें तो ये फर्स्ट पोषक स्तर में आते हैं। पोषक स्तर फर्स्ट में आते हैं। ये कैसे अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से मतलब प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन, जब अपना भोजन बनाते हैं तो खुद क्या हमें देते हैं, हमने देखा ग्लूकोज भोजन देते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इनको जो खाता है उसे हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, क्या कहते हैं, या प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, कंज्यूमर कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, इन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किस पर आश्रित होते हैं,
उत्पादक माने हरे पेड़ पौधे, और जो हरे पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं ऐसे प्राणियों को, ऐसे जीव जंतुओं को, ऐसे मनयों को, मनई तो मालूम नहीं है, ऐसे जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? शाकाहारी। माने जो उत्पादक पर सीधे आश्रित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। कोई समस्या है तक? कोई दिक्कत? अब इन शाकाहारी को खूब घास खाए, गाजर खाए, ये बेचारे तैयार हुए तो उनको कौन खाया? शाकाहारियों को जो खाएंगा वो द्वितीयक, इन पे जो आश्रित है वो द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता आप लोग समझ लीजिए, जिसको दिख नहीं रहा होगा, इन्हें मांसाहारी कहते हैं, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर हिरण खा गया, हिरण घास खाया और हिरण को शेर खा गया, तो शेर मांसाहारी। ये हो जाएंगे द्वितीयक पोषक स्तर में। ये तृतीयक पोषक स्तर, ये लेकिन अब जो द्वितीय को खाते हैं उन्हें तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता या सर्वाहारी। ने क्या कहते हैं? एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, बना लीजिए आप लोग, अभी इसे पूरी चीजें क्लियर कर देंगे हम। उत्पादक हरे पेड़ पौधों, इन पर जो आश्रित है उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी है, शाकाहारी जो खाते हैं मांसाहारी, मांसाहारी जो खाते हैं सर्वाहारी। माने एक दूसरे पर क्या है ये, और जो मांसाहारी है जो सर्वाहारी है, सर्वाहारी खाता, जैसे कुत्ता कोई गधा मर गया छोड़ देगा? गधाओं खाएगा, रोटियों खाएगा, मतलब शिकार भी करेगा, कोई मुर्गा उर्गा पकड़े खा गया फिर क्या करेगा? मतलब इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको, जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या करता है? सर्वाहारी, अपने सर्वाहारी को भी खाता है, इसको भी, इसको भी, मतलब जो सर्वाहारी होते हैं वो सभी का भक्षण करता है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर तीसरा डायग्राम बनाते, फिर वहां लिखते पादप शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी, फिर एक बनाते वहां लिखते प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो ये तीन डायग्राम को मैंने एक ही में इंक्लूड कर दिया। हम ये देखा कि एक दूसरे पर किस प्रकार ये आश्रित है। अब ये इसको खाता है तो कुछ ऊर्जा मिलती है, कितना मिलता है? 10%। अरे जितना खाएगा उतना मिलेगी, लेकिन जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो केवल 1/10 या 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, बाकी 9/10 या 90% ऊर्जा व्यय हो जाती है। इसे लिंडमान का नियम कहते हैं। जैसे अगर पता चला कि उत्पादक है कोई, उसे खाने पे 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, उसे कोई गधे ही खा गई, गधे ही जानते आप लोग, गधा जानते आप लोग, कितना उसको मिलेगा तब? 1/10। इसको कोई घास पे था उसको खाया 1/10, इसको ऊपर वाला खाएगा तो ऊपर वाला खाएगा। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह का जो 10% का नियम है, 1/10 का जो नियम दिया है, उसे कहते हैं लिंडमान का नियम। उसे क्या कहते हैं? हमारे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा और आपका ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है। इसके लिए देखिए यहाँ पे नंबर भी लिखा 6306344367 और 7355। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सिकरारा ब्रांच का नंबर, जिसमें गोविंद सर, सुदर्शन सर। फिर हमने देखा 10% का जो नियम है इसे लिंडमान का नियम कहते हैं। ये ऊर्जा का प्रवाह होता है, लेकिन क्या ऊर्जा का चक्र भी चलता रहता है?
हमको क्या दिखाना था कि इन दोनों के बीच जो आंतरिक संबंध है हमें उसकी व्याख्या करनी थी, और हमने व्याख्या ही नहीं कर पाई। हमें व्याख्या कैसे करनी है कि ये दोनों अंतर संबंधित कैसे हैं? जैसे हमने ये देखा जो उत्पादक है ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो सारे खनिज लवण मिनरल लेता है। कल्पना करिए यहाँ पेड़ गिरा और सूख गया, गिर गया तो क्या होगा? कुछ दिन बाद, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, दस साल, बीस साल, सौ साल बाद पेड़ क्या होगा? गायब हो जाएगा। गायब होकर जाएगा, सारे मिनरल टूट जाएंगे। आपने सुना होगा गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, यहीं से लिया यहीं पे। अब जब ये वृक्ष टूट कर गिरेगा, सड़ जाएगा, उसमें डीकम्पोजर लगेंगे अब घटक, तो हो जाएगा पांचवा पोषक स्तर, ये कहते हैं डीकम्पोजर। अब घटक, अब घटक क्या करेंगे? तोड़ देंगे। फास्फोरस अलग, नाइट्रोजन अलग, पोटास अलग, यूरिया अलग, डाई अलग, सब क्या करेंगे? अलग करके फिर मिट्टी मिला देंगे ह्यूमस में, फिर ह्यूमस के बाद फिर कोई दूसरा पेड़ तैयार होगा, फिर वो पेड़ सड़ेगा, फिर पेड़ गिरेगा, फिर पेड़ तैयार होगा। इस तरह से क्या होगा, इसका ये चक्र चलता है। पता चला आपने घास लगा दिया, चरी लगा दिया, अब उसको कोई हिरन खा गया या कोई गधे खा गया, कोई गधा खा गया, तो गधा मर गया। मरने के बाद पहले खूब मोटाएगा, फिर खूब महकेगा, फिर दुम एक हफ्ते 15 दिन बाद गायब हो जाएगा, फिर हड्डी मिलेगी उसकी। आखिर गया कहाँ वो? जैसे डेथ होती है तुरंत डिकम्पोजर लग जाएगा, उसके बाद सारी मिनरल तोड़ के अलग, नाइट्रोजन अलग, फास्फोरस अलग, यूरिया अलग, पोटास अलग, ऑक्सीजन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड सबको तोड़ क्या करेगा? अलग करके जमीन पे, फिर घास के द्वारा ह्यूमस बनेगा, फिर घास में आया, फिर घास से घास तैयार हुआ, फिर कोई गधे ही खाएगी, फिर गधे ही मरेगी, फिर हिम्मत में आएगी। ये क्या होगा? प्रक्रम। अब क्या हुआ? यहाँ गधा हुआ चल रहा था, शेर आया खा गया, अभी शेर वो मर गया, बढ़ा गया, पहले मरेगा, फिर खूब मोटा होगा, फिर पतला होगा, फिर गायब होगा। तो क्या होता है? डीकम्पोजर लगे, शेर को मन ही खा गया, मने भी शेर नहीं खाया, शेर को मने मने नहीं छोड़ा क्या, मनुष्य ने छोड़ा क्या, कुछ नहीं छोड़ा है, खा गया, फिर क्या मन ही मर गया। जब मन ही मर गया तब क्या बचा? मन ही मर गया, खत्म। ठीक, यहां तक कोई समस्या? तो फिर डिकम्पोज मतलब सभी चीजें आके फिर मिट्टी में ही मिलना है, ह्यूमस सभी डिकम्पोज होंगी, सभी में अपघटक लगेंगे, जीवाणु बैक्टीरिया। जैसे जीवाणु बैक्टीरिया जाए वैसे पढ़ेंगे, अब सिलेबस में ही पढ़ गया जीवाणु बैक्टीरिया कवक ये सब क्या है, इनसे होने वाले रोग और इनसे प्रभावित अंग, ये भी सिलेबस में आपको मिल गया। तो ये हमने देखा कि इससे इससे मिलने के बाद तो जीवन बना, लेकिन जीवन समाप्त होने के बाद सब अपनी अपनी दुनिया में फिर अलग हो जाए। देखा ना, पेड़ गिर गया तो जितना लिया था कार्बनिक अकार्बनिक सब मिट्टी मिल गया, ऑक्सीजन जितना ले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उतना छोड़ते हैं, मरने के बाद ये काम बंद, जो बचा हुआ अंदर था वो भी डिकम्पोज हो गया। ये था, इसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड। अब यहीं से आपको खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में पढ़ाया जा सकता है। ऐसे अगर हम प्रश्न पूछ लें आपसे कि घास को टिड्डे ने खाया, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को चील ने खाया, चील को कुत्ते ने खाया, तो मेढक किस श्रेणी का उपभोक्ता हुआ? हाँ, ये बहकाने के लिए इतना बड़ा दे दिया और पूछ दिया मेढक किस श्रेणी का उपभोक्ता है? याद समझ में आ गया? अब ये बता देंगे कौन किस श्रेणी का उपभोक्ता और किस पोषक स्तर का है। गधा किस श्रेणी का उपभोक्ता है? गधे ही, क्यों? क्योंकि शाकाहारी। सुदर्शन सर किस श्रेणी को उपभोक्ता है? क्योंकि मनुष्य अपने आप को शाकाहारी कह ही नहीं सकता,
उसके पेट में कितने केचुए पल रहे हैं पता नहीं। ये जैसे मृत्यु तुरंत डिकम्पोजर कहाँ से लग जाते हैं, अपना काम रहते हैं, रहता आदमी जिंदा करता ठीक है अभी कुछ नहीं करेंगे, वैसे कब्जा करने वाले होते हैं ना जमीन, जैसे कोई बाहर या तुरंत कब्जा कर ले, तो वही होते हैं जैसे सांस बंद हुआ तुरंत काम शुरू, और 12-15 घंटा बाद बॉडी के पास बैठ नहीं सकते, डिकम्पोजर क्या तुरंत अपना काम। यहां तक कोई समस्या आप लोग को हो तो बताएं, या आगे बढ़ा जाए या यही बंद कर दिया जाए, ये पंखे आप लोग के लिए है हमारे लिए नहीं है। कोई समस्या हो यहां तक जो न समझ में आया पूछना चाहते हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना। सुदर्शन सर बताएं, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बस किया जाए। चलिए आप लोग इसे शेयर कर दिए सभी लोग को, जहां तक पहुंच सके वहां तक पहुंचा दीजिएगा ठीक। और सबसे बड़ी बात है सिकरारा ब्रांच की आज ये कथा वस्तु लिखी जा रही थी, और यहाँ पे एक शुरुआत किया गया, एक बड़ी पहल की गई इलेनी दुर्गेश के द्वारा, और ये पहल सिकरारा के साथ साथ धीरे धीरे अगर आप सब चाहेंगे तो प्रदेश के सभी जनपद में आज नहीं कल कभी न कभी जरूर होगा। इस छोटी सी शुरुआत छोटी सी पहल है, और सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन का दौर जो है वो हमारे यहाँ से सबसे बेहतर रहा है, क्योंकि कहने से ज़्यादा बेहतर जब परिणाम सामने आता है तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल सेक्शन मैथमेटिकल और बाकी ज्योति मैम और बाकी जो मेरे पास यहाँ स्टाफ है और शायद प्रदेश का ऐसा बेहतर स्टाफ किसी एक टीम में एक जगह नहीं है, और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, और मेरा सौभाग्य भी है कि आपके इस सेंटर पे हमें आने का सौभाग्य मिला और पढ़ाने का भी सौभाग्य मिला। तो सिकरारा ब्रांच में भी प्रारंभ हो चुकी है, और आप सबका सिकरारा के आसपास मछली शहर सिकरारा बरेपार आदि इसके आसपास के सेंटर, क्योंकि सेंटर हब में है, और जो इसके बाद जो जाना चाहते हैं जौनपुर में मोस्ट वेलकम है, और वहाँ भी नहीं आना पाते तो वाराणसी मोस्ट वेलकम, वहाँ भी नहीं आ पाते तो ऑनलाइन क्लास मोबाइल क्लिक करिए, यूट्यूब खोलिए सर्च मारिए दुर्गेश सर इलेनी भी दुर्गेश कुछ भी सर्च मारेंगे, गूगल पे सर्च मारेंगे गूगल भी हमको ऊपर कर देता है, या कुछ भी नहीं सर्च कर पाते ये डाल दीजिए UPTET की बेस्ट कोचिंग तब हम लोग ऊपर आ जाएंगे, कुछ मत डालिए गूगल पे इतना सर्च कर दिए UPTET की बेस्ट कोचिंग कौन सी UPTET यूट्यूब पे तब हम आ जाएंगे दूसरे तीसरे नंबर पर रहेंगे। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है जौनपुर सिराज शहर से रह के इतनी दूर तक की यात्रा तय करना। तो चलिए इस वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा, ऑनलाइन क्लास नोट्स ऑफलाइन क्लास सभी चीज़ें हमारे उपलब्ध हैं, मतलब हर रोज़ जरूरत की चीज़ें उपलब्ध है जो आपको चाहिए, बस आपको एक सूत्री कार्यक्रम करना है, आपको अपना बेस्ट देना, आपको अपना कीमती और बहुमूल्य समय सकारात्मक वे में सही दिशा में लगाना है। लोग कहते हैं ना मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती, अब जैसे कहते हैं संतोषम परम सुखम, जो जितना मेहनत करेगा उतना मिलेगा, अगर ऐसा होता तो भैया एक इंजीनियर सुबह उठता है चाय की चुस्की लिया गया आया उसकी वेतन 1,80,000 रुपया, और मजदूर बेचारा दिन रात फावड़ा चलाता है संजा को 250 रुपया, 180 रुपया का पौआ ले लिया बचा कितना 150 रुपया, तो बीच बेचारा बचपन से फावड़ा चलाता है। मेहनत सब करते हैं लेकिन मेहनत करने का दिशा सही होगा तभी असफल होंगे। आप बहुत सारे कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, अगर कोचिंग पढ़ने सफल हो जाते हैं तो ये लोग कहीं खोजते, उसके लिए सही मार्गदर्शन जरूरी है, पढ़ने सफल नहीं होता कंटेंट बेहतर होने चाहिए। यही पढ़ाने के लिए बता ना जो 3 टॉपिक पढ़ाया जाता हमने एक कमला पेट दिया, अब इसमें और सारी चीज़ें क्लियर कर देता, लेकिन यही है कि समय का भी अभाव है, वो अकेले इंसान हैं सुबह उठ के खाली चले आए हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ते तो सब है और सारी कोचिंग वाले पढ़ाते सब मास्टर बढ़िया पढ़ाते हैं, कि फ़र्क वही है इंजीनियर और मजदूर वाला, फ़र्क उतना इंजीनियर और मेहनत दोनों करते हैं, बल्कि वो ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन सफल कौन होता है, वेतन किसका ज़्यादा है, सही अंतर इलेनी बुद्रगेश और औरों में, और कुछ विशेष अंतर नहीं है, हम सही वे में चलते हैं, हम आपको पूरी वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पिछले ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन बेहतर पढ़ाता है। ये मुंह से कहना बहुत अच्छा लगता नहीं मैं बेहतर पढ़ाऊँ तो मेरा बढ़िया चलता है, लेकिन आप उस पर मत जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए किसी का पेपर उठाइए और पर्यावरण के नोट्स हमारे रख दीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकल का सेक्शन इसमें अमित सर पढ़ा रहे हैं और लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी जब मैराथन क्लास हम लेंगे फिर अब देखिएगा, कहते हैं ना हजारों में लंबी यात्रा छोटे कदम शुरुआत होती, तो छोटे कदम की शुरुआत आपके साथ होगी, आप बढ़ाएंगे कदम एक कदम हम बढ़ाएंगे, मंजिल कब तक भागेगी। अगर पढ़ने से लोग सफल हो जाते, पढ़ने से सफल हो जाते तो कौन नहीं पढ़ता,
4 लाख लोग आपके साथ बैठेंगे, 8 लाख लोग, लेकिन चयन किसका होगा? 40,000 का। तो 40,000 जो बेस्ट होगा उसी का चयन होगा, सबका नहीं होगा। क्या सब नहीं पढ़ते? पढ़ते तो सब है, वही बात आ जाएगी इंजीनियर और मजदूर वाली, पढ़ते तो सब है ना, या कोई नहीं पढ़ता? पढ़ते सब है, लेकिन अंतिम रूप से चयन किसका होता है? इसलिए आप लोग भी संस्था का चयन करते समय विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप बेहतर कहां करते हैं, क्योंकि खुद अपने आप में एक अध्यापक है आप। बस क्या है, आपको प्रमाण पत्र नहीं मिला है, बाकी आप अपने आप में दो वर्ष से प्रशिक्षण ले लिए, गांव वाले चिढ़ाना शुरू करते हैं तो अध्यापक है, लेकिन आपने क्या नहीं लिया अभी तक? ठीक, बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपकी इच्छा लगे शेयर करिएगा, नहीं इच्छा लगे मत शेयर करिएगा, लाइक करना हो लाइक करिएगा, डिसलाइक करना हो डिसलाइक करिएगा, आपकी इच्छा, क्योंकि इसके बाद आपका भी अभिव्यक्ति होती है आर्टिकल 19, तो आप उसका प्रयोग करके जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक, कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं, कोई समस्या नहीं, चलिए।